और लो होता है मुख्तलिफ मीडियम में उसकी प्रोपिगेशन जो है वो डिफरेंट होती है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टूडे बट उससे पहले जल्दी से हम करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कुछ सीखा था उसके लिए आपको क्वेश्चन को गौर से सुनना है एंड देन यू हैव टू आंसर दैम सो माई डियर स्टूडेंट्स वट इज साउंड इज दरिंग सेंसेशन हाउ डज इट प्रोड्यूस इट इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन एंड हाउ डू वी हेयर द साउंड हेयर देम इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन ठीक है साउंड जो है ये वाइब्रेशन की फॉर्म में पैदा होता है वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है और वाइब्रेटिंग वाइब्रेशन uh, की ही फॉर्म में ये आपके इयर ड्रम से टकराता है और तब आप इसको आपकी ब्रेन की मदद से uh, 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 जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन uh, देता है कि दिस इज दिस साउंड उसको रिकग्नाइज करता है और इस तरीके से आप साउंड को सुनते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स टाइम फॉर activities. साउंड आपको पता चल गया कैसे जनरेट होता है अब आपके पास यहां दो मीडियम है सॉलिड मीडियम एक टेबल और ये लिक्विड मीडियम है अच्छा अब सॉलिड मीडियम अगर आप स्ट्रक करेंगे मैं आपको करके दिखाती बाय द टेबल मैं टेबल के पास आपको बैठ कर दिखाती हूं आपने टेबल के पास जो है वो बैठना है और बैठने के बाद आपने अपने कान को टेबल पे रखना है है इस तरह एंड देन हिट इट तो आपको आवाज जो है, वो बहुत लाउड और क्लियर सुनाई देगी के आप उसको इस तरीके से बीट करें इसके अलावा आप इस एक्सपेरिमेंट को सेकेंड मीडियम में किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एक बड़ा बाथ टब लें आप इस तरीके से और उसमें किसी बेल को या कोई स्पून और प्लेट जो है उसको स्ट्रक करें और उसके बाद आप उसकी आवाज़ को जो है वो सुने तो आपको बहुत ही मम्बल्ड मफल्ड आवाज़ जो है वो सुनाई देगी यानी कि वो बहुत क्लियर नहीं होगी इसका मतलब ये है कि जो साउंड है वो लिक्विड मीडियम में देर से ट्रेवल करता है स्लो ट्रैवल करता है और आज हम इसी बारे में जो है वो Uh, we आर गोइंग टू स्टडी today सो so इन today's लेक्चर स्टूडेंट्स विल be एबल टू identify variety ऑफ materials थ्रू विच साउंड कैन ट्रेवल मुख्तलिफ मटीरियल्स में से साउंड किस तरीके से ट्रेवल करता है आज हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे आइडेंटिफाई द स्पीड ऑफ साउंड डिफर्स इन सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसटियस मीडियम इसके अलावा जो मुख्तलिफ मीडियम्स में साउंड um, की स्पीड है वो भी वेरी करती है सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉर्वर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन सो क्विकली टेल मी How does sound travel? Sound travels in the form of waves. Does sound travel in vacuum? No. Jaha hawa nahi hogi, jese ke space hai, sound travel nahi karta. Okay, my dear students, now is the time for reading for which you, can, you have to open page number 85 in your science five books. I hope everybody has opened the page. Now, let's start the reading.

ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो जब साउंड ट्रेवल करता है इसके थ्रू तो ये पार्टिकल्स में से जल्दी से वाइब्रेट करके इट कैन ट्रेवल वेयर एज लिक्विड मीडियम में पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर वेरी फार तो इस वजह से इनको इस तक रीच करने में वाइब्रेशंस को टाइम लगता है गैस के पार्टिकल्स दे आर वेरी फार अपार्ट आर इन रेंडम पोजिशन तो एक तरह से दूसरी जगह तक पहुंचने में इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम तो इस वजह से कि सॉलिड के पार्टिकल्स करीब हैं साउंड विल वेरी फास्ट थ्रू इट और इसके अलावा इंटेंसिटी हाई भी होगी इसकी सो साउंड वेव्स ट्रेवल स्लोअर इन लिक्विड्स देन सॉलिड सॉलिड बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स आर नॉट सो क्लोज क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड्स और इसी तरह जो साउंड वेव्स हैं वो लिक्विड्स में Um, आहिस्ता ट्रेवल करेंगी क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं दे आर फार फ्रॉम इच अदर साउंड ट्रेवल स्लोअर इन गैस देन सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फार अवे फ्रॉम वन एन अदर एंड टेक मोर टाइम टू ट्रांसफर साउंड वे फ्रॉम वन पार्टिकल टू एन अदर बिकॉज दे आर वेरी फार्ट तो वाइब्रेशन को दूसरे पार्टिकल तक पहुंचने में और उसको वाइब्रेशन ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा इसी वजह से यह स्लोअर भी होगा और आवाज आपको इंटेंसिटी लो भी होगी प्रोपिगेशन ऑफ साउंड इन गैस तो है यू कैन सी के अगर यहीं पर गैसियस मीडियम में इसको बीट किया जाएगा तो बिकॉज इट दार्टिकल्स आर फार तो इसी वजह से यू विल सो सॉलिड मीडियम में आपको तेज आवाज़ आएगी लिक्विड में आहिस्ता आवाज़ आएगी और गैश गैसेस में इट विल बी वेरी स्लो सो है यू कैन सी साउंड ट्रेवल्स फास्टर बाय स्ट्रिंग देन द एयर सो अगर आप स्ट्रिंग आप वैसे किसी को आवाज़ दें और एक स्ट्रिंग के थ्रू आप माइक्रोफोन में बोलेंगे तो आवाज़ जल्दी ट्रांसफर होगी बिकॉज दिस इज़ अ सॉलिड मीडियम वेयर एज डेली बेसिस पे आप एयर को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं ओके डियर दिस इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस सो आप देख सकते हैं कि गैस इज द सॉलिड इज द फास्टेस्ट मीडियम सो अगेन सी इट सॉलिड इज द फास्टेस्ट मीडियम देन लिक्विड एंड देन गैस इज द स्लोएस्ट सो दिस इज हाउ साउंड ट्रेवल्स इन डिफरेंट मीडियम्स सो इसी वजह से मैंने आपको टेबल की एग्जाम्पल दी थी कि जब हम टेबल पे सर uh, रख के उसको बीट करते हैं और अदरवाइज आप ऐसे बीट करके उसको सुनाई देता है जब तो आप उसके ऊपर कान रखते हैं तो इसी वजह से इट बीट्स वेरी फास्ट आपको आवाज सुनाई देती है क्योंकि सॉलिड मीडियम पे आपने डायरेक्ट अपना कान रखा हुआ है तो उसमें से ट्रेवल होके बहुत तेजी से आपके कान uh, तक के पर्दे तक जो है वो आवाज पहुंचती है ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर अवैल्युएशन वट इज द बिहेवियर ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन द सॉलिड मीडियम Slower in the liquid medium and very slow in gas medium. Now is the time for practice for which you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and roll number and then complete the following sentences. Sound is hearing sensation. Sound produced by sound is produced by vibrations. Sound needs medium to travel. Sound does not travel in vacuum because there is no Air. Sound travels in so, uh, solids fastest. Sound travels in gas dashed in the liquid slower than the liquids because the particles are far apart. In liquid sound travels uh, faster than gas, gases. Write the sequence in numbers of traveling of sounds from solid to uh, gas. Slower, slowest, slower, fastest. Okay?

From section B given on page number 90. And the wrap-up. So, my dear students, today we have learned that sound travels through a medium. Sound travels in solids faster because particles are close together. Sound travels in liquids slower than solids. Solids, a sound travel in gases slower than liquids because particles are far away, taking time to travel sound waves from one particle to another. So my dear students. पार्टिकल्स की फॉर्मेशन और उनके डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर की बेसिस पे जो है वो साउंड ट्रेवल करता है द क्लोजर द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम आर द फास्टर द साउंड विल ट्रेवल एंड द फार अपार्ट द पार्टिकल्स आर साउंड बिकम स्लोअर ठीक है तो गैस जिस मीडियम में हम डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं दिस इज द स्लोएस्ट मीडियम लिक्विड में और सॉलिड्स में साउंड ट्रैवल्स फास्टर देन गैसेस सो माय डियर स्टूडेंट्स कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ हैव अ गुड डे थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़